आज भी चलो कैसे हो, चलो चलते कुछ नया सा करने। तो हाँ बच्चों, आज की जो रेसिपी लाई हूँ वो आप सभी के लिए है। बेदाग त्वचा, खूबसूरत चेहरा, चमकदार चेहरा सभी चाहते हैं। इसके लिए हम केयर भी बहुत करते हैं, टाइम टू टाइम नहाना, खास तौर से लेडीज क्रीम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन सभी यूज करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन ये सब क्या काफ़ी है? ये सब बाहर की चमक के लिए तो ठीक है, लेकिन चेहरे पर निखार, खूबसूरत स्किन ये अंदर से आती है, ये सभी जानते हैं, ये बाहर से नहीं आती है। अगर हम अंदर से फिट होंगे, अंदर से हमारा ब्लड प्यूरिफाई होगा, अंदर कभी भी पेट में कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, तो हम अपने आप ही बिल्कुल ठीक रहेंगे। ब्लड अगर साफ है तो कभी भी चेहरे पर पिंपल्स नहीं आएंगे, कभी दाग नहीं आएगा, स्किन जो है ना ग्लो करती रहेगी। यही तो हम सभी चाहते हैं। तो क्यों ना आज कुछ ऐसा किया जाए, एक बढ़िया सा ड्रिंक बनाया जाए जो कि टेस्टी भी लगे, हेल्दी भी हो और आपको स्वस्थ रखे अंदर से, जिसकी वजह से चेहरे पर चमक आना शुरू हो जाए। तो यहाँ लेते हैं इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले बढ़िया से टमाटर। टमाटर दो मीडियम साइज के ले लीजिए, ताजे हों बढ़िया है। इस टमाटर को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टमाटर के अंदर होता है पोटेशियम B12 बहुत अधिक मात्रा में। ये जो रेड कलर इसके अंदर आता है ना, कैरोटीन नामक पदार्थ से आता है। ये हमारी ब्लड प्यूरिफाई के लिए बहुत मदद करता है। अगर हमारा ब्लड साफ होगा तो पूरी बॉडी में जो रगों में हमारा जो ब्लड दौड़ता है ना, वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो चलिए दूसरी चीज मैं लेती हूँ यहाँ पर, पत्तेदार हरी सब्जी। अब ये कुछ भी ले लीजिए, घर में धनिया है, पुदीना है, मीठा नीम है, से आप करी लीव्स कहते हैं, पालक के पत्ते ले सकते हैं, बथुआ ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो, बस एक मुट्ठी काफी है। पत्तेदार सब्जियों में आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, हमारी बॉडी के लिए बेस्ट है ये। तीसरी चीज मैं ले रही हूं अदरक। अदरक में जिंक, पोटेशियम होता है, ये भी हमारी बॉडी को साफ करता है, तो ये चीज हमें चाहिए ही सही। चौथी चीज मैं ले रही हूं ये है लौंग। वैसे तो लौंग को आप ज़्यादा मात्रा में ले लीजिए, तवे पर सेक लीजिए और उसका एक पाउडर बना के रख लीजिए। बस गर्मियाँ आ रही हैं, दो चुटकी भी काफ़ी है ये लौंग, क्योंकि गर्म होता है और हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में परफेक्ट होगा तो हम बिल्कुल फिट होंगे। तो ये लौंग भी बहुत बढ़िया काम करता है, आप अपने हिसाब से दो चुटकी, एक चुटकी डाल सकते हैं। अभी मेरे पास आज पाउडर नहीं है तो मैं यहाँ पर इस जूस के अंदर ही 3-4 लौंग डाल देती हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से कट कर लिया है, इसे हम मिक्सी के अंदर डाल देते हैं। आपको जैसा पीना है, बहुत गाढ़ा पीना है, स्मूदी टाइप, तो आप गाढ़ा बना सकते हैं। आपको बहुत पतला सा चाहिए तो आप इसमें काफ़ी सारा पानी डालकर इसको पतला भी बना सकते हैं। बस इसे ग्राइंड कर लीजिए, छान लीजिए और मनपसंद अपना इस ड्रिंक को तैयार कर लीजिए। अब इसे यूँ भी टेस्टी लगेगा ही, पर फिर भी अगर आपको और टेस्ट बढ़ाना है, इसमें काला नमक, काली मिर्च पाउडर या चाट मसाला डालकर भी पी सकते हैं। एक और बात, इस जूस को हम किस टाइम पिएं? सबसे पहला पॉइंट, रात को जब हम खाना खाते हैं, उसके बाद जब हम पहला सुबह का जब नाश्ता करते हैं करीब 9-10 बजे, तो हमारी बॉडी को लंबा टाइम हो जाता है बिना कुछ खाए। उस टाइम ये जूस आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि पहला ड्रिंक ही इतना हेल्दी जब बॉडी के अंदर जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक बार जब आपने पीना शुरू कर दिया ना, तो आपको बेहद पसंद आएगा। हमेशा अपनी डाइट में पहला नाश्ता यही रखेंगे, साथ में आप नाश्ता भी कीजिए और इस ड्रिंक को पीना शुरू कर दीजिए। आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इस टेस्टी से ड्रिंक को जब आपने पीना शुरू किया तो आपको हमेशा अच्छा लगेगा कि ये ड्रिंक हमारे लिए बेहद अच्छा है। गर्मियाँ भी आ रही हैं, उसके लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक बार इस ड्रिंक को पीना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके अंदर जो बॉडी अगर साफ रहेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, ब्लड प्यूरिफाई रहेगा, तो चेहरे की चमक तो बढ़नी ही है, ये 100% गारंटी है। तो आप इसे कब बना रहे हैं बच्चों, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें।